हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल टेक टेकडबल अड्डा पे फ्रेंड इसके पहले वाले वीडियो में हम 9 मई को जो आपका पेपर आया था लेवल सिक्स का उसके सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं वहाँ वीडियो पे हमें अच्छा रिस्पांस मिला है इसलिए हम आज की वीडियो में आपको दस मई का जो लेवल फोर का पेपर हुआ था इसमें रीजनिंग के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम यहाँ पर सॉल्व कराएँगे अगर आप चैनल पर नए हो या पुराने हो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को यहाँ से एक मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए तो बिना टाइम बर्बाद किए डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि असली मोटो है क्वेश्चन को सॉल्व करना तो यहाँ पे दिया है आपको अलग अलग लंबाई के पांच बच्चे हैं का एक समूह है तो कभी भी इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको हम पहले ही बता चुके हैं ग्रेटर वाले निशान से आपको करना होता है पाँच बच्चे हैं तो पाँच प्लेस बना लो एक दो तो तीन चार और एक पाँच पाँच प्लेस बन गए अब इसके बाद के सबसे लंबा है के को आप फिल कर लो एल सबसे छोटा है एल यहाँ पे हो जाएगा ओ उस समूह का दूसरा सबसे छोटा बच्चा है दूसरा सबसे छोटा मतलब कि एक छोटे से थोड़ा सा बड़ा होगा तो सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा आपका ओ एम एन से लंबा है मतलब कि एम पहले आएगा फिर आएगा एन ये आपका बन गया सीरीज उसमें से तीसरा सबसे लंबा बच्चा कौन है तीसरा सबसे सबसे लंबा है के तो केस यहाँ से देखोगे तो तीसरा सबसे लंबा कौन है एन तीसरा सबसे लंबा कौन सा बच्चा आ रहा है एन तो ये आपका एन जो है ये हो जाएगा राइट आंसर अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपको चार युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी एक तरह से संगत हैं और एक असंगत है असंगत का आपको चयन करना है यहाँ पे तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे देखो सबसे पहले 216 है 512 है चौंसठ 216 सौ सोलह तीन सौ तिरालीस और तीन सौ तिरालीस सात सौ अट्ठाईस इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे छोटा वाला टर्म अगर आप पकड़ोगे तो चौंसठ आएगा और दो सौ सोलह अब इसके बाद सबसे पहले इसमें चेक करते हैं ये किसी का स्क्वायर है फिर सेकेंड वाले में चेक करते हैं क्यूब है फिर थर्ड वाले में चेक करते हैं अगर ये दोनों से मैच नहीं किया तो चौंसठ और मैं किसी चीज़ का गुणा करके फिर कोई संख्या उसमें जोड़ने पे क्या कोई संख्या आ रही है ठीक तो पहला पॉसिबिलिटी चेक करते हैं स्क्वायर वाला नहीं डायरेक्ट यहाँ पे क्यूब वाला चेक करते हैं चौंसठ जो होता है आपका ये होता है चार का क्यूब और देखेंगे दो सौ सोलह है ये आपका है छः का क्यूब इसके पहले आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं आप कम से कम एक से ले कर तक का क्यूब याद कर लो और एक से ले कर तक का स्क्वायर याद कर लोगे तो आपको पेपर में थोड़ा आसानी होगा अगर नहीं भी याद है तो आप वहाँ पर निकालोगे लेकिन थोड़ा आपका टाइम जाएगा तो आप एक बार याद कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा तो यहाँ पे चौंसठ होता है चार का क्यूब दो सौ सोलह होता है छः का क्यूब तो क्यूब वाला रिलेशन आ गया अब दूसरे में चेक करते हैं क्या ये फॉलो हो रहा है एक सौ पच्चीस है और यहाँ पे दिया है तीन सौ तिरालीस एक सौ पच्चीस आपका पाँच का क्यूब होता है तीन सौ तिरालीस होता है आपका सात का क्यूब तो यहाँ पर क्यूब वाला रिलेशन तो फॉलो हो रहा है अब तीन सौ तिरालीस को देखा जाए और सात सौ अट्ठाईस तीन सौ तिरालीस तो हो गया आपका सात का क्यूब सात सौ अट्ठाईस किसी का क्यूब नहीं होता सात सौ उनतीस दिया होता तो काम तो बनता तो ये वाला रिलेशन आपका फॉलो नहीं कर रहा है तो आपका ऑप्शन फोर हो जाएगा एक और बचा है उसको भी चेक ही कर लेते हैं दो सौ सोलह दिया है और पाँच सौ बारह दिया है दो सौ सोलह आपका है छः का क्यूब और पाँच सौ बारह होता है आठ का क्यूब तो आपका छः का क्यूब और आठ का क्यूब आपका मैच कर गया तो तीन मैच कर रहे हैं क्यूब के रिलेशन से एक नहीं मैच कर रहा है तो ये आपका राइट हो जाएगा अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा ये क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह लगभग निकटतम मान आपको ज्ञात करना है निकटतम मान तो सिक्स पॉइंट जीरो फाइव को आप क्या लिख सकते हो पॉइंट के बाद एक जीरो है फिर उसके बाद कोई नंबर है उसकी उसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो सिक्स माइनस पंद्रह दशमलव नौ पाँच को आप क्या लिख सकते हो सोलह नौ पाँच को आप डायरेक्ट सोलह लिख सकते हो इसके बाद भाग का निशान लगाओ तीन दशमलव नौ पाँच को आप लिख सकते हो चार दो दसमलव नौ नौ को आप लिख सकते हो तीन फिर आप मल्टीप्लाई करो सात दसमलव जीरो चार को आप लिख सकते हो सात तो अगर इसको सॉल्व करोगे बॉड मास से तो यह आएगा आपका फोर माइनस सिक्स और यहाँ पे प्लस तीन गुणत्व सात कितना होगा इक्कीस तो छः में से चार जाएगा बचेगा दो और प्लस इक्कीस कितना हो जाएगा तेईस तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेईस तेईस आपका राइट आंसर होगा हो आपको लगभग निकटता मान पूछा था तो आपको पॉइंट वाले को नेगलेक्ट करके यहाँ पे आप आंसर सॉल्व करोगे आपका तेईस आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है अगला है आपका सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है जीरो एक दो पाँच और छब्बीस इसके बाद अगला सीरीज कौन सा आएगा यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ है अब किस चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ है डिवाइड हुआ है स्क्वायर हुआ है वो हम चेक करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आखिरी का टर्म आ रहा है छब्बीस छब्बीस और यहाँ पे इसके पहले है पाँच तो इसको कट करोगे तो आपका पाँच बार में जाएगा प्लस एक रिमाइंडर बचेगा तो पाँच पाँच गुड़ते पाँच प्लस एक कितना हो गया छब्बीस पाँच गुड़ते पाँच प्लस एक इसको आप लिख सकते हो पाँच का स्क्वायर प्लस एक ये आपका छब्बीस हो गया तो आप छब्बीस को कैसे लिख सकते हो पाँच का स्क्वायर प्लस एक ये आपका हो गया छब्बीस और इसी तरह पाँच है पाँच को कैसे लिख सकते हो दो का स्क्वायर प्लस एक ये आपका हो जाएगा पाँच उसके दो है दो के पहले एक है एक का स्क्वायर प्लस एक ये हो जाएगा आपका दो और जीरो से एक कैसे आया है जीरो का स्क्वायर प्लस एक कितना आएगा वन इसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म ज्ञात करना है तो छब्बीस का स्क्वायर प्लस वन आपको निकालना है वैल्यू छब्बीस का स्क्वायर हो जाएगा आपका छः का स्क्वायर में लास्ट में वैल्यू क्या आएगी सिक्स यूनिट डिजिट प्लस वन तो लास्ट में तो सेवन आएगा और छब्बीस का स्क्वायर होता है छः सौ छिहत्तर छः सौ छिहत्तर प्लस वन कितना हो जाएगा सिक्स सेवन सेवन तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सिक्स सेवन सेवन अगला टर्म जो आएगा छः सौ सतहत्तर आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सिक्स सेवन सेवन आपका राइट हो जाएगा अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है यहाँ पे लिखा है लोकल को एम ए डी ओ एम मैडोम और ग्लोबल को एच एम ए सी ओ एम तो यह आपको रोमन पूछा है तो तीनों में देखोगे तो आपको ओ ए ओ ए तीनों में कॉमन है ओ को यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है ए ओ को लिखा जा रहा है ए ए को यहाँ पे लिखा जा रहा है ओ ए को लिखा जा रहा है ओ तो आप यहाँ पे लिख लो आर ओ एम ए एन ओ को आप लिख दो ए ए को लिख दो आप ओ बाकी बचे हुए नंबर को आपको फाइंड करना है एल से एम हो रहा है एल प्लस वन एम हो गया सी से डी हो रहा है सी प्लस वन डी एल से फिर एम हो रहा है एल प्लस वन एम इसी तरह यहाँ पे देखोगे जी जी प्लस वन एच एल प्लस वन एम बी प्लस वन आपका सी होगा एल प्लस वन एम आर प्लस वन कितना होगा आपका हो जाएगा एस एम प्लस वन कितना होगा एन एन प्लस वन कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा ओ तो आपका राइट right आंसर क्या होगा एस ए एन ओ ओ रोमन को आप कैसे लिख सकते हो एस ए एन ओ ओ तो ये आपका राइट right हो जाएगा अगले क्वेश्चन पे चला जाए आप एक बार आंसर भी देख लो वरना कहोगे गलत बता दिया तो रोमन को यहाँ पे लिखा है एस ए एन ओ ओ तो ये आपका राइट right हो जाएगा एस ए एन ओ ओ अगले क्वेश्चन पे चला जाए फिर से आपका वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे आपको तीन में एक टर्म का पैटर्न है और बाकी में एक में डिफरेंट है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताए थे जो सबसे छोटा वाला टर्म है उसको आप पकड़िए सबसे छोटा टर्म कितना है एक और बासठ अगर यहाँ पर देखोगे स्क्वायर करो क्यूब करो स्क्वायर क्यूब में तो ये आ नहीं रहा है इसका मतलब है यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करके एडिशन हुआ है तो बासठ का अगर मल्टीप्लाई करोगे बासठ कुड़ते दो एक सौ चौबीस प्लस तीन एक सौ सत्ताईस ठीक है बासठ गुड़ित दो प्लस तीन पर एक सौ सत्ताईस आ रहा है बाकियों में चेक करेंगे क्या ये रिलेशन फॉलो कर रहा है तो अगर हम पहले से चेक करें दो सौ पैंतीस दो सौ पैंतीस कितना हो जाएगा चार सौ सत्तर प्लस तीन ये कितना आएगा आपका चार सौ तिहत्तर फिर इसके बाद चार सौ तैंतीस में अगर इसको चेक करें दो से गुड़ा करेंगे तो एट सिक्स सिक्स प्लस तीन एट सिक्स सिक्स प्लस तीन कितना हो जाएगा एट सिक्स नाइन ये भी फॉलो कर रहा है अगर थर्ड वाले को करें एक सौ साठ में एक सौ साठ कितना हो जाएगा दो से बुरा करेंगे तो तीन सौ बीस प्लस तीन ये हो जाएगा आपका तीन सौ तेईस लेकिन आपका आ कितना रहा है तीन सौ तैंतीस तो ये पैटर्न आप में फॉलो नहीं कर रहा है बाकी तीनों में सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है दो से मल्टीप्लाई करके प्लस तीन ऐड करने पे हमारा वैल्यू आ जा रहा है लेकिन यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करने के बाद तेरह ऐड करेंगे तब तीन सौ तैंतीस आएगा लेकिन तेरह नहीं हमें तीन ही ऐड करना है इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका ये असंगत है ये तीनों से डिफरेंट है अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अब ये आपका घड़ी वाला क्वेश्चन आ गया अब ये घड़ी वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि 9 पीएम बजे इसके घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रही है कोई घड़ी है उसमें नौ पी ऐसे बजेगा आपको पता होगा नाइन यहाँ पर है तो 9 पी ये उत्तर दिशा की ओर घंटे वाली सुई उत्तर की ओर लेकिन उत्तर का डायरेक्शन क्या होता है ये नॉर्थ होता है ये होता है ईस्ट लेकिन आपका डायरेक्शन अब क्या कह रहा है नॉर्थ इधर आ गया है तो आपका ईस्ट इधर चला जाएगा जब नॉर्थ 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूमा है तो ईस्ट भी इधर हो जाएगा अब इसके बाद कहा है यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहे मतलब कि अब हमें इसी डायरेक्शन को फॉलो करना है नॉर्थ ईस्ट ये वाले डायरेक्शन को तो दो एम पर इसके मिनट की सुई किस दिशा में होगी जब दो बजाएगा तो इसके मिनट की सुई तो बारह पे होगी और घंटे वाली सुई दो पे होगी तो हमें मिनट वाले से काम है हमें सिर्फ इस वाले सुई से काम है ये वाले सुई की डायरेक्शन किधर है अब आपका डायरेक्शन किधर हो गया है ईस्ट ऊपर की ओर ईस्ट है यहाँ पे है नॉर्थ तो मिनट वाले सुई का डायरेक्शन जो है वो है आपका पूर्व दिशा में ये तो इजी क्वेश्चन था मिनट वाले सुई की डायरेक्शन क्या हो गई पूर्व दिशा में ये आपका दो बजेगा यहाँ पे बारह हो जाएगा इसी तरह ये नौ ये बारह आपको मिनट वाला पूछा था मिनट वाला हो गया आपका पूर्व दिशा में अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो जो भी इजी क्वेश्चन थे वहाँ से जो आप टाइम बचाए होंगे वहाँ से आपका तीस सेकंड से चालीस सेकंड ये एक्स्ट्रा ले लेगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है ए बी सी डी जे के एल एम एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं उनमें से चार इसके कोनों पर बैठे हैं जबकि अन्य चार एक एक भुजा के ठीक मध्य बैठे हैं ये वाले क्वेश्चन कर कर तो देंगे हम तुरंत लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं थोड़ा आपका टाइम बचेगा इससे देखिए कभी भी जब वर्गाकार हो है तो यहाँ पे अंदर की ओर मुख करके जब बैठेगा कोई भी आदमी तो इसका जो बाया और दाया है ये कैसे डिसाइड करेंगे इसको हम क्लाक वाइज एंटी क्लाक वाइज में कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए जब भी अंदर की ओर मुख करके बैठेगा तो इसका ये हो जाएगा राइट दाया और इसका राइट क्या होगा इधर इधर की ओर होगा तो कभी भी राइट बोलेगा तो राइट में आप चलोगे हमेशा एंटी क्लॉक वाइज अगर एंटी क्लाक आप डायरेक्शन देखोगे तो आपका हो जाएगा वो राइट तो राइट right, right का मतलब हो गया दाया और इसका बायाँ देखा जाए तो इसका लेफ़्ट होगा इस साइड इसका लेफ्ट हो जाएगा इस साइड लेफ़्ट तो इधर से इधर आने के लिए हमें चलना पड़ रहा है क्लॉक अगर आप क्लाक चलोगे तो आपका लेफ़्ट हो जाएगा तो जब भी आपको बाएं बोले तो आप चलोगे क्लाक और जब भी आपको दाएं बोले तो आप चलोगे एंटी क्लाक इससे आपका थोड़ा इजी हो जाएगा बाएं दाएं का बार बार कॉन्सेप्ट नहीं देखना पड़ेगा अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन आपको कहा है एक वर्गाकार मेज है तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम दो फिगर बनाते हैं एक फिगर यहाँ बना लीजिए और एक फिगर आप यहाँ बना लीजिए चारों कोनों पे तो चारों कोनों पे लोग बैठे हैं एक दो तीन और चार और बीच बीच में भी बंदे बैठ रखे हैं तो यहाँ पे चारों कोनों पे बैठेंगे फिर इसके बाद और कुछ बीच में बैठे हैं सेंटर में अब यहाँ से कलर चेंज कर लें तो थोड़ा आसान रहेगा अब इसके बाद इस स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं फिल करते जाते हैं आराम से आ जाएगा आपका डी किसी एक कोने पर बैठा है ठीक है भाई हमने डी को यहाँ पर बैठा दिया एक कोने पर इधर भी इनको हम एक कोने पर बैठा दिए डी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है अब इन्होंने तो बताया ही नहीं कि सी दाएँ बैठा है कि बाएँ बैठा है ठीक है जब नहीं बताया हो तो इधर बैठा दिए इधर बैठा दिए इधर भी एक व्यक्ति इनके बीच में इधर भी एक व्यक्ति बीच में बैठा है अब यहाँ पे बोला है एम बी के दाई और दूसरे स्थान पर सी और बी ये वाला है स्टेटमेंट सी और बी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं सी और बी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं इधर से अगर आप आओगे तो एक दो तीन तो यहाँ पे आएगा बी यहाँ से भी चेक करोगे तो एक दो तीन यहाँ भी आ जाएगा अगर यहाँ से आप चेक करोगे तो एक दो तीन तो आपका बी यहाँ बैठेगा इधर से भी चेक करोगे तो एक दो तीन तो बी का स्थान फिक्स हो गया यहाँ तक तो दोनों फिगर सही है एम बी के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है दाई का मतलब एंटी क्लॉक पहले आपको बता चुके हैं एंटी क्लॉक चलोगे आप दाई क्लॉक चलोगे आप बाई यहाँ से थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा बाकी आप दाएँ बाएँ निकाल भी सकते हो उनका मुख देख के तो एम बी के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है तो दाई ओर का मतलब एंटी क्लॉक वाइज एक दो तो यहाँ पे अगर एम बैठेगा तो पहले ही डी यहाँ बैठ चुका है तो एम को यहाँ पे हम कैसे बैठाएं तो पहला वाला फिगर जो है आपका यहाँ से गलत हो गया पहला वाला फिगर आपका गलत हो गया अब आपको इस वाले फिगर पे काम करना है ये वाला फिगर आपका एलिमिनेट हो गया अब इस वाले फिगर पे एम जो है बी के दाई और दूसरे स्थान पर बी से एंटी क्लॉक चलोगे तो एक दो एम तो यहाँ पर बैठ गया के एम के बाई और ठीक बगल में बैठा है के जो है एम के बाई और बैठा है बाई और का मतलब कि एम के बाई और मतलब क्लॉक वाइज तो एम के बाई और बैठ गया के ठीक ए बी के ठीक बगल में नहीं बैठा है तो ए यहाँ नहीं आ सकता है तो ए का दो प्लेस है या तो ए यहाँ होगा या तो यहाँ होगा इसके लिए अब हमें थर्ड स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा जो आगे वाला स्टेटमेंट है ए और एल के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं अगर हम ए को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ से तीन व्यक्ति एल के बीच में नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि एल का प्लेस ये बचेगा और ये बचेगा यहाँ भी एक व्यक्ति यहाँ भी एक व्यक्ति अगर हम ए को यहाँ बैठा दें ए को यहाँ बैठा दें तो एल के बीच में तीन लोग हो गए एक दो तीन ठीक अब यहाँ पूछा जे के दाई दाई और ठीक बगल में कौन बैठा है एक प्लेस बचा है यहाँ पर आप बैठा दो जे को अब इसके दाई और कौन बैठा है तो यहाँ पे फिर से कल कलर चेंज कर लिया जाए जे के दाई तरफ कौन दाई का और मतलब एंटी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज चलोगे तो ये आपका आ जाएगा डी तो जे के दाई और बैठा है आपका डी तो ये आपका डी हो जाएगा राइट आंसर थोड़ा पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को करोगे एक एक, एक स्टेटमेंट पढ़ के तो ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा ये बात और है कि ये और सब जि, जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनके मुकाबले थोड़ा टाइम आपका 30 से 40 सेकंड ज़्यादा लेगा तो आपको यहाँ पे टाइम देना है उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको सही आंसर निकालना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये क्वेश्चन हो चुका है अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप एक बार वीडियो को देख सकते हो आराम से आपको समझ में आ जाएगा हम एक एक चीज़ को पूरा बता के चले हैं अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दे रखा है आलोक का एक कक्षा में शीर्ष से उन्नीसवां स्थान है और नाइनटीन पोजीशन है और नीचे से अड़तीसवाँ स्थान है अगर नीचे से देखा जाए तो इसका स्थान है थर्टी एट एक ही बंदा है आलोक यहाँ पर बैठा है ऊपर से अगर करेंगे तो उन्नीसवें स्थान पे है नीचे से करेंगे तो अड़तीसवें स्थान है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं टोटल ऊपर से प्लस डाउन से माइनस वन कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा ऊपर से कितना है उन्नीस प्लस नीचे से अड़तीस माइनस एक ये हो जाएगा आपका सत्तावन माइनस एक कितना हो जाएगा छप्पन टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में छप्पन बच्चे हैं जिसमें आलोक का ऊपर से स्थान है उन्नीसवाँ नीचे से स्थान है अड़तीसवाँ तो ये जी क्वेश्चन था इसको थोड़ा आप तेज कर लो अब इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे करोगे ये कल भी हम आपको बता चुके थे यहाँ सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्न को काउंट कर लो अगर यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है चौबीस इसके पहले वाला जो कल हम बताए थे जो आपका 9 मई को सेकंड शिफ्ट में आया था उसमें 16 टर्म थे तो वहाँ पे कितने का पेयर बना था दो का बनेगा या चार का बनेगा या तो आठ का बनेगा यहाँ पे कितने का पेयर बनेगा या तो दो का बनेगा या तो तीन का बनेगा या तो चार का बनेगा या तो छः का बनेगा या तो बनेगा, तो बनेगा बारह का चौबीस टर्म है कितने पेयर बन पाएंगे दो तीन चार छः और बारह ठीक अब इसके बाद थोड़ा इस क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जैसे 16 का है तो हमेशा मैक्सिमम चार के पेयर में ही दिया जाता है आपको क्वेश्चन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ़ द केस ये आपका होता है वो आपको दो का पेयर आठ का भी दे सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ़ द केस में सोलह का अगर दिया है तो चार का पेयर तो सबसे पहले आप चार का पेयर करोगे उसी तरह अगर ये चौबीस दिया है तो यहाँ पे आप छः का पेयर बनाओगे तो छः का चार पेयर बनेगा तो सबसे पहले अगर हिट एंड ट्रायल करोगे तो आप छः के पेयर पे करोगे अगर ट्वेंटी टर्म्स दिए हैं तो वहाँ पे आप पाँच का पेयर पहले बना के देखोगे तो आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से आपका आंसर आ जाए तो चौबीस दिया है तो हम छः का पेयर बनाते हैं छः का पेयर बनाने के लिए शुरुआत से छः नंबर को हम लिख लेते हैं तो शुरुआत का नंबर है यहाँ पर डैश लगा है फिर इसके बाद है बी फिर सी फिर डी चार टर्म आ गए फिर इसके बाद दो तो डैश और लगे हैं ये छः का पेयर बनेगा इसके बाद हम मैच कर लेंगे तो आगे भी आ जाएगा आपका आंसर अब यहाँ से बोलिए तो कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा अब यहाँ पे बी सी डी बी सी के पहले कौन सा टर्म है ये हमें निकालना है बी सी के पहले वाला टर्म अगर यहाँ पे देखा जाए तो बी और सी के पहले कौन सा टर्म आ रहा है ए यहाँ भी देखोगे बी और सी के पहले कौन सा टर्म आ रहा है ए तो यहाँ पे ए का तो स्थान फिक्स हो गया तो शुरुआत के चार तो आपके आ गए ए बी सी डी लेकिन जब देखोगे ए डी सी डी इसके बाद कौन सा टर्म आएगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो टर्म दिया है लास्ट वाला यहाँ पे ए बी सी ए बी सी यहाँ पे मैच कर रहा है और बीच में एक डैश है फिर इसके बाद लास्ट के जो दो टर्म हैं वो हैं आपके डी और ई e. डी और ई e है तो आपके छः टर्म वाले पेयर बन गए हैं अब छः टर्म वाले पेयर को आप यहाँ पे रख के भी चेक कर सकते हो यहाँ तक छः का पेयर बना था अब इसके बाद रखो ए बी सी फिर यहाँ पे रखोगे आप डी फिर इसके बाद यहाँ पे रखोगे दो डी दो डी यहाँ पे भी आया तो फिर आपका देखिए पेयर बन गया ए बी सी डी डी ई फिर यहाँ पे आप बी के पहले रख दो ए A. A रख दिए फिर सी के बाद आप क्या रखोगे डी फिर आपका डी फिर आपका ई e. फिर इसके बाद ए बी सी डी फिर यहाँ पे रख दो आप डी तो देखिए छः छः के पेयर से आपका आराम से आ गया अब इसके बाद आपको मैच करना है हमें क्या क्या फिल करना है तो हमने यहाँ पे फिल किया है ए डी फिर डी फिर ई e. तो आप आप फिल क्या किए हो यहाँ पे देखो सबसे पहले ए है फिर डी है फिर ई e है फिर दो टी है फिर इसके बाद ए है फिर है डी डी फिर है ई e, फिर टी तो यहाँ से आपका आ जाएगा अगर आप पेयर बना के क्वेश्चन को करोगे और इसका एक ही मेथड है पेयर बना के करना अगर आप आंसर रख के पुट करके देखने लगे तो आपका काफ़ी टाइम जाएगा और प्लस कोई गारंटी नहीं है कि आप यहाँ से निकालो क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम जाएगा तो आप फ्रस्ट्रेट होगे फ्रस्ट्रेशन में आपसे क्वेश्चन गलत होता है इससे अच्छा है कि पहले प्रैक्टिस करके चले जाओ यहाँ पहले आपको बता चुके हैं अगर सोलह है तो सबसे पहले आप चार के पेयर पर पे प्रैक्टिस करो बीस है तो पाँच के पेयर पर पे, फिर इसके बाद चौबीस दिया है ये नंबर ऑफ़ टर्म आप पहले काउंट कर लो कितने टर्म यहाँ पर दिए हैं इसके बाद पेयर बना लो देखिए छः का पेयर बनाए थे वहाँ से आपका आ गया ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे आप डायरेक्ट डारेक, देख सकते हो छः का पेयर बनाए हैं तो डायरेक्ट आंसर आ गया है अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका देखिए रिपीट हुआ है ये आपका लेवल सिक्स के सेकेंड शिफ्ट में पेपर आया था कलर चेंज किया जाए रेड वाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो लेवल सिक्स के सेकेंड शिफ्ट में ये आपका क्वेश्चन सेम टू सेम आया था यहाँ पे दिया है शिक्षक और छात्रों वाली स्कूल बस समय पर नहीं पहुंच सकी ठीक है नहीं पहुंच सकी उस सड़क पर हुए एक बड़े हादसे के वजह से यातायात बाधित हो गया तो यहाँ पे आपको निकालना है कौन सा इसका कारण है कौन सा इसका प्रभाव है तो कारण आप देखोगे तो सड़क पे एक यातायात एक हादसा हुआ जिससे यातायात बाधित हो गया तो ये इसका कारण हो गया और कारण का प्रभाव क्या पड़ा है बच्चे और शिक्षक अपने स्कूल बस से लेट पहुँचे हैं स्कूल ये इसका प्रभाव हो गया तो यहाँ पे ऑप्शन ए कथन टू इसका कारण है कथन एक इसका प्रभाव है तो यहाँ से ये यह हो जाएगा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग का आ गया यहाँ पे दिया है ए ई ओ टी ए से फिर आपका आया है एक्स ए से एक्स आया है ए माइनस तीन ये आपका आएगा एक्स और ई से बी आया है ई e तो e में से ई e के प्लेस में से तीन घटाओगे तो आपका बी बी आएगा ई e का मतलब है पाँच पाँच में से तीन घटाओगे तो आपका दो आएगा दो पे आता है बी इसी तरह से जे है जे में से तीन घटाओगे तो आपका आएगा जी जे का प्लेस होता है दस दस में से तीन घटाओगे सात सात की जगह पे आएगा जी इसी तरह से ओ है ओ में से तीन घटाओगे एल आएगा टी में से तीन घटाओगे क्यू आएगा आपको यू वाई डी आई एन के बाद का नंबर निकालना है अब डायरेक्ट करिए यू में से तीन माइनस करोगे तो आपका आएगा आर वाई वाई में से तीन माइनस करोगे तो आपका आएगा बाईस 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 के स्थान पे होता है वी, डी है डी में से तीन माइनस करोगे चार में से एक चार में से तीन जाएगा एक आएगा ए, आई में से तीन माइनस करोगे तो आपका आएगा एफ और एन में से तीन माइनस करोगे तो आपका आएगा के एन होता है चौदह और आप उसमें से तीन माइनस कर लोगे तो आपका आ जाएगा के के का होता है ग्यारह यह आपका आंसर हो गया आर वी ए एफ के कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको नंबरिंग याद है तो आप आराम से कर लोगे अगर नहीं भी याद है तो ए बी सी डी आप वहाँ पे लिख लो ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप नहीं याद है तो फिर उसको हम याद ही करें उससे अच्छा है आप पेपर में लिख लो ए बी सी डी इसके बाद नंबरिंग कर लो वहाँ से भी आपका आ जाएगा अगर आपको याद है तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा अब यहाँ पर आपको अगला पैटर्न पहचानना है यहाँ पर दिया है बारह तैंतीस से सत्तावन दस अट्ठाईस से अड़तालीस चौदह और उनतालीस से क्या बनेगा छोटा वाला पकड़ते हैं दस दिया है और यहाँ दिया है अट्ठाईस बना क्या है अड़तालीस दस और अट्ठाईस में कौन सी ऐसी लॉजिक लगेगी अड़तालीस आएगी अगर दस में हम दो का गुड़ा कर दें दस गुड़ते दो कितना हो जाएगा बीस प्लस अट्ठाईस ये हो जाएगा आपका अड़तालीस इसी तरह से अगर बारह में दो का गुड़ा करें तो ये हो जाएगा चौबीस प्लस तैंतीस जोड़ा जाए तो सत्तावन आ रहा है तो ये लॉजिक आपकी लग गई है चौदह गुड़ित्ते दो प्लस थर्टी नाइन यही आपको करना है ये हो जाएगा अट्ठाईस प्लस उनतालीस ये होगा आपका सात तीन तीन छः तो सड़सठ आपका आंसर हो जाएगा इसके आपका लॉजिक ढूंढना था दस और अट्ठाईस में क्या लॉजिक लगाएंगे अड़तालीस आ जाए बारह तैंतीस में क्या लॉजिक लगाएँगे सत्तावन आ जाए तो उसी लॉजिक पर चौदह और उनतालीस से क्या आएगा तो लॉजिक हमने फाइंड किया है दो से गुड़ा करके फिर थर्ड वाल सेकेंड वाले में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तो अट्ठाईस प्लस उनतालीस कितना हो गया सिक्सटी सेवन अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर से कह रहा है छः व्यक्ति हैं सी डी ई -E के एल एम प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है तो लंबाई वाले क्वेश्चन को पहले ही आपको बताया है यहाँ पर आप छः प्लेस बना लीजिए एक दो तीन चार पाँच और छः यहाँ पे आप बड़े का निशान लगा लो ठीक यहाँ बोला है ई e केवल एल से छोटा है मतलब कि एल ई केवल एल से ही छोटा है मतलब एल सबसे लंबा है एल यहाँ पे हो जाएगा ई e सिर्फ इसी से छोटा है मतलब बाकी सबसे लंबा है तो ई e जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट है तो एल जो हो जाएगा आपका लार्जेस्ट हो जाएगा केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है मतलब कि सी जो है आपका सेकंड स्मॉलेस्ट है मतलब सी के सी से छोटा सिर्फ एक ही व्यक्ति है उससे छोटा है उससे बड़ा जो है आपका सी है के डी से छोटा है किंतु एम से लंबा है के जो है आपका डी से छोटा है किंतु एम से लंबा है तीन प्लेस बचे हैं तीन लोग बचे हैं तीनों को ऐसा एडजस्ट किया जाए के तो आपका डी से छोटा होगा मतलब कि डी इससे तो बड़ा ही होगा फिर आएगा के एक ही प्लेस बचा है एम का वो हो जाएगा एम यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है डायरेक्ट है आंसर दोगे क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसमें से कितने व्यक्ति के से छोटे हैं तो के से कितने व्यक्ति छोटे हैं सी और एम सी और एम के से छोटे हैं आपको नंबर पूछा है तो नंबर कितने हो जाएंगे दो तो दो व्यक्ति जो हैं वो आपके के से छोटे हैं तो ये आपका हो गया अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है आल फार्मा आर स्टैटिक मतलब कि सभी फार्मा जो है आपके, हैं आपके स्टैटिक हैं तो यहाँ पे फार्मा बना लो एक मिनट यहाँ पे आप बनाओगे फार्मा जो कि आल फार्मा है आपके ये हैं स्टैटिक फिर बोला है सम स्टैटिक आर मैथमेटिक यहाँ पे बोला है सम स्टैटिक आर मैथमेटिक कुछ स्टैटिक जो हैं आपके मैथमैटिक हैं अब इसके बाद यहाँ पे है आपका आल फार्मा आर मैथमेटिक सभी फार्मा मैथ मैथमेटिक है मैथमेटिशियन दिया है तो हम सीधे बोल रहे हैं फार्मा बोल रहे हैं और मैथ आल फार्मा आर मैथमे मैथमेटिशियन इसके और इसके बीच कोई रिलेशन ही नहीं दिया है तो ये हो जाएगा गलत तो पहला ऑप्शन गलत है अब इसके बाद आएंगे सम फार्मा यहाँ पे क्या था मैथ सम फार्मा आर मैथमेटिशियन तो फार्मा और मैथमेटिशियन में कोई अंतर ही नहीं दिया है तो फार्मासिस्ट और मैथमेटिशियन में हम कैसे कोई रिलेशन निकाल सकते हैं इसके बीच को, कोई रिलेशन नहीं दिया है हमको स्टैटिक्स और मैथ के बीच में रिलेशन दे रखा है तो फार्मा और मैथ में कोई रिलेशन नहीं है तो पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है सम मैथमेटिशियन आर स्टैटिक्स तो सम का तो आ रहा है यहाँ पे मैथ और स्टैटिक्स का यहाँ पे रिलेशन है तो ऑप्शन थ्री है करेक्ट सम स्टैटिक्स आर फार्मासिस्ट स्टैटिक्स आर तो हाँ तो दिया ही है सभी जब फार्मा स्टैटिक्स हैं तो कुछ स्टैटिक्स आपके फार्मा होंगे ही तो ऑप्शन फोर भी आपका मैच कर रहा है तो यहाँ पे दो कंक्लूजन है थर्ड एंड फोर आपका फॉलो कर रहा है जितना इसमें रिलेशन दिया जाए उतना ही आप दिमाग लगाइए उससे ज़्यादा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप, आपका ऑप्शन गलत भी हो सकता है यहाँ पे फार्मा और मैथमेटिसियन के बीच में फार्मासिस्ट और मैथमेटिसियन के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे कोई रिलेशन दर्शाने की ज़रूरत नहीं है जितना आपको दिया है सिर्फ आपको उतना ही करना है अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है आपका ये है लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ पर एक कोट भाषा में दिया होता है आपको हर्ट देयर वाइस एन यू सी एस लिखा गया है आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है सीधे आप आइए आपको पूछा क्या है आपको पूछा है हर्ड कार तो यहाँ पे हर्ड कार आप देखोगे तो कहाँ पे दिया है सेकेंड वाले स्टेटमेंट में कार भी दिया है और हेयर्ड भी दिया है तो आपको देअर और वाज का कोड निकाल के उनको हटा दोगे तो जो दो कोड बचेंगे वो कार और हेअर्ड का ही आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे आप कटपिट चालू करते हैं तो दियर किस में किस में है दियर इसमें भी है दियर इसमें भी है तो दोनों में कॉमन क्या है इधर अगर देखा जाए तो दोनों में देखा जाएगा तो एन यू एन यू कॉमन है तो एन यू एन यू किसका हो गया दियर का हो गया दियर से मेरा एन यू से एन यू कट गया ठीक है अब एक और काटना है वो है वाज महाजय तो वाज महाजय को काटने के लिए सेकेंड और थर्ड को पकड़ते हैं सेकेंड और थर्ड में क्या क्या कॉमन है यहाँ अगर आप देखोगे तो ई एस इसमें भी है ई एस यहाँ भी है तो ई एस से ई एस कट गया ठीक अब जो बचा है कार हियर्ड का आएगा एच वाई और टी ए एक मिनट एक मिनट एक मिनट गलत हो गया भाई जल्दीबाजी में थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे आपका दिया है यहाँ पे वाच है और यहाँ पे हियर्ड भी दिया है वाच हियर्ड एक मिनट इस क्वेश्चन को दोबारा से कर लेते हैं थोड़ा जल्दीबाजी में गड़बड़ा गया है इसको फिर से किया जाए कभी कभी थोड़ी गलती हो जाती है भाई यहाँ पे आपको निकालना है हीड कार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों में हीयड कॉमन आ रहा है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है बाकी तीनों में कोड कौन कौन सा कॉमन है तो हीड में एन यू सी एस अगर देखा जाए तो इसमें भी ई एस है इसमें भी ई एस है और इसमें भी ई एस है तो हीड का जो कोड है वो आपका आ गया ई एस अब आपको निकालना है कार का कोड कार आपको सेकेंड वाले में दिख रहा है सेकेंड वाले में एक हीयर का तो कोड मालूम चल गया डियर और वाच का अगर हमें कोड मालूम चल जाए तो जो बचा हुआ कोड होगा वो कार का आएगा तो दियर यहाँ ऊपर वाले में भी दियर है यहाँ भी दियर है तो दियर ऊपर और नीचे में अगर देखा जाए तो इसमें से एन यू एन यू कॉमन तो दियर का कोड एन यू है कट गया दो कोड बचे हैं कार और वाच का तो एक वाच का और फाइंड करके काट करते कट करते हैं तो सेकेंड और थर्ड में देखा जाए तो वाज इसमें भी है इसमें भी वाज है अब इसके बाद इसको और इसको मैच किया जाए तो इसमें टी ए है इसमें भी टी ए है कॉमन तो वाज का कोड हो गया टी ए अब कार एक ही बचा है और यहाँ भी एच वाई ही बचा है तो कार का कोड क्या हो गया एच वाई तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ई एस और एच वाई आपका कोड आ जाएगा ई एस और एच वाई अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में लाल को हरा कहा जाता है हरा को गुलाबी और गुलाबी को भूरा और भूरे को बैगनी ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन को रोकने के लिए किस रंग का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था इस टाइप का ही क्वेश्चन था वो बारिश में था बारिश के लिए आप क्या छाता खोलोगे तो छाता का कोड वहाँ दिया था जितना आपसे पूछा जाए सिर्फ उतना ही दिमाग लगाइए आप सिग्नल पर रुकोगे तो आपको किस टाइप की लाइट चाहिए रेड लाइट आपको चाहिए लाल ठीक तो लाल को यहाँ पे क्या दिया गया है लाल को यहाँ दिया गया है हरा लाल को हरा दिया गया है तो आपको क्या चाहिए हरा आपका आंसर आ जाएगा सीधे हरा इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि हरा को फिर गुलाबी कहा गया है गुलाबी को फिर भूरा कहा गया है वो सिर्फ़ आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए दिया है आप सिर्फ़ लाल को हरा कहा गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा हरा हरा रंग दिखाने पे आपका रुक जाएगा ट्रैफिक क्योंकि हरा ही आपका लाल है अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपको सिंपल simple... यहाँ पे आपको सीधा कैलकुलेशन दिख रहा है तो इसको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको सीधे प्लस और माइनस करना है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फिर से आपका रिलेशन वाला आ गया आठ पैंतीस से उनतीस दस अड़तालीस से बावन और बारह सत्तावन से क्या आएगा तो इसमें सबसे पहले छोटे वाले टर्म को पकड़ते हैं आठ और पैंतीस ये हो जाएगा उनतीस आया है आप देख रहे हो आठ है पैंतीस है ये वाली संख्या कम है इसका मतलब कि कोई चीज़ करके उसमें से इसको घटाने पे ही संख्या कम आएगी जब संख्या कम आ रही है इसका मतलब यहाँ पे घटाया गया है तो आठ में ऐसे किस चीज़ का गुड़ा करके फिर कुछ घटाया जाए कि आपका उनतीस आ जाए तो अगर आठ का स्क्वायर किया जाए तो आठ का स्क्वायर हो जाएगा चौंसठ और पैंतीस घटाया जाए तो ये आपका हो जाएगा उनतीस आ रहा ना भाई चौदह में से पाँच जाएगा हाँ नौ बचेगा उनतीस ये आपका उनतीस आ गया इसी तरह से आ है आपका दस और अड़तालीस दस है और अड़तालीस है टेन का स्क्वायर माइनस फोर्टी एट तो यहाँ पे आपको आ जाएगा सौ माइनस फोर्टी एट कितना हो जाएगा बावन यहाँ भी आपका बावन आ रहा है इसी तरह से है आपका बारह का स्क्वायर बारह का स्क्वायर हो जाएगा एक सौ चौवालीस माइनस सत्तावन एक सौ चवालीस माइनस सत्तावन चौदह में सात जाएगा सात फिर सात में साठ जाएगा पाँच आठ फिर आपका ये हो गया सत्तासी तो ये वाला रिलेशन यहाँ पे फॉलो हुआ है पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर उसमें से इस वैल्यू को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तो बारह का स्क्वायर एक सौ चवालीस माइनस सत्तावन कितना हो जाएगा एटी सेवन अब अगला क्वेश्चन देखा जाए अगला क्वेश्चन है आपका ये पंक्ति वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आठ व्यक्ति हैं एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं तो जहाँ पर पंक्ति दिया हो आठ व्यक्ति हैं तो आठ लोग का हम बना लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ दो कॉलम बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ सबका मुख उत्तर दिशा में है सबका फेस जो है नॉर्थ में है तो इनका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा यह है दाया यह है बाया अब इसके बाद एम पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है तो किस सिरे से बैठा है राइट से या लेफ्ट से यह हमें नहीं दिया है इसीलिए हमने दो बनाया है तो एम यहाँ पे बैठ जाएगा इधर से बैठेगा और इधर से बैठेगा तो एम यहाँ बैठ जाएगा फिर इसके बाद कहा है एम और एन के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं एम और एन के बीच एक दो व्यक्ति यहाँ पे एन बैठेगा एक दो व्यक्ति यहाँ पे एन बैठेगा पी एन के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है पी एन के दाई और तो इसके दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा ये बैठ गया पी इसके दूसरे स्थान पर हो गया ये हो गया पी अब बोला है पी के दाई और जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही एस के बाई और बैठे हैं पी के दाई और कितने व्यक्ति बैठे हैं एक दो तो एस को एक दो एस के दाई तरफ भी बाई तरफ कितने बैठ गए एक और दो यहाँ पे पी के दाई और एक व्यक्ति बैठा है अगर हम एस को यहाँ पर रखेंगे तभी यहाँ पे बाई और एक व्यक्ति बैठेगा यहाँ पहले से ही एम बैठा हुआ है एस को यहाँ पे पुट नहीं कर सकते तो ये वाला जो सीरीज अब लेके चल रहे थे ये हो गया गलत अब मेरा एक ही बचा है उस पर ही हम काम करेंगे अब यहाँ पे क्या है एस बैठ गया है हाँ एस और टी के बीच तीन से अधिक व्यक्ति बैठे हैं एस है अगर हम तीन से अधिक व्यक्ति इधर आएंगे तो तीन तो व्यक्ति हैं ही नहीं तो एक दो तीन चार चार व्यक्ति बैठ गए तीन से अधिक हो गए तो यहाँ पे हो गया टी ठीक वी एक्स के दाई ओर ठीक बगल में बैठा है वी की जो पोजीशन है एक्स के दाई ओर है तो एक्स यहाँ बैठेगा एक्स का दाया इधर है तो यहाँ पे बैठ गया वी अब यहाँ पे पूछा है वाई के बाई ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है वाई एक ही बचा था वाई वाई यहाँ बैठा दो वाई के बाई तरफ मतलब कि इधर लेफ्ट साइड में थर्ड प्लेस पे कौन बैठा है एक दो तीन तो यहाँ से थर्ड प्लेस पे चलोगे तो आपका वी आएगा ये आपका राइट हो जाएगा वी तो इस टाइप वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले दो फिगर बनाइए इसके बाद वैल्यू पुट करिए वहाँ से एक फिगर अपने आप इलिमिनेट हो जाएगा जो बचेगा उसको आप कंटिन्यू करोगे वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है ये आपका इमारत का क्वेश्चन है बहुमंजिला इमारत जो है उस पर है यहाँ पे कितने लोग हैं पुनीत है कमर है रोहित है शीतल है ताबीर है उमेश है एक बहुमंजिला इमारत में रहते हैं यहाँ तक तो हो गया कमर उस मंजिला के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर उमेश रहता है तो उमेश के नीचे कौन आएगा कमर पहले वाले मंजिले पे अगर उमेश आ गया है तो उसके नीचे आएगा कमर अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा है शीतल उस मंजिल के नीचे वाली मंजिल पर रहती है जिस पर कमर रहता है तो कमर के नीचे कौन आएगी ये हो गई शीतल फिर इसके बाद है ताबीर उन मंजिल के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है जिस पर कमर और शीतल रहते हैं तो कमर और शीतल के नीचे वाले मंजिल पे आपका ताबीर रहता है लेकिन ठीक नीचे नहीं रहता है ऐसा नहीं कहा गया है के नीचे मंजिल पे रहता है लेकिन ठीक नहीं कहा गया है तो इसके बीच वाले प्लेस पे कोई भी आ सकता है फिर इसके बाद कहा गया है यहाँ तक पढ़ चुके थे फिर इसके बाद है लेकिन वह उस मंजिल के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है जिस पर पुनीत रहता है तो ताबीर के नीचे कौन है पुनीत तो एक बार यहाँ पे फिगर बना लेते हैं ये हो गया उमेश ये हो गया कमर यह हो गई शीतल ये हो गया ताबीर और ताबीर किसके ऊपर रहता है ताबीर पुनीत के ऊपर रहता है ताबीर जो है आपके पुनीत के ऊपर रहता है ताबीर उस मंजिल के ठीक नीचे मंजिल पर रहता है जिस पर रोहित रहता है तो ये वाली जो मंजिल का गैप था ये रोहित है ताबीर के ऊपर रोहित है तभी तो रोहित के नीचे ताबीर होगा अब कहाँ तक हो गया था ताबिर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर रोहित रहता है रोहित उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर शीतल रहती है ये तो हम पहले ही बना चुके हैं रोहित है आपके शीतल के नीचे वाले पे तो शीतल रोहित के ऊपर है सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है तो यहाँ से आप देख लो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन है उमेश भाई रहते हैं भाई अपने तो ये उमेश भाई जो हैं आपके सबसे ऊपर वाले मंजिल पे रहते हैं तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इससे एक मोटिवेशन मिलेगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आगे आपको रेलवे की सारी अपडेट मिलेगी नौ मई का हम पेपर करा चुके हैं दस मई वाला भी आज रीजनिंग वाला पेपर सॉल्व करा दिया आपको तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो